व्यूअर्स, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की वीडियो जो है वो वर्ल्ड कप T20 2022 से रिलेटेड है। और वर्ल्ड कप 2022 जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन के ऊपर खेला जाएगा। इसका फर्स्ट राउंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टार्ट हो चुका है 16 अक्टूबर से, और ये राउंड जो है वो 21 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया के अंदर जारी रहेगा। और इसमें हर ग्रुप की जो टॉप टू टीम्स होंगी वो सुपर 12 के अंदर जगह बनाएंगी और बाकी टीम जो है वो घर चली जाएंगी। और सेकंड स्टेज जो सुपर 12 है उसके मैचेस 22 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट ग्राउंड्स के अंदर। और इसके स्केड्यूल के साथ जो है आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, और हम वन बाय वन जो है वो आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने कब और किस टाइम के ऊपर दूसरी टीम से टकराना है। तो वर्ल्ड कप T20 का शेड्यूल जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। 16 अक्टूबर जो है वो श्रीलंका बमुकाबला नामीबिया, पाकिस्तानी वक्त मुताबिक सुबह 9 बजे ये मैच स्टार्ट होगा। और सेकंड मैच जो है वो 16 अक्टूबर को ही क्वालिफायर 2 बमुकाबला क्वालिफायर 3 जो है वो दोपहर 1 बजे जो है वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे। फिर 17 अक्टूबर को वेस्ट इंडीज बमुकाबला स्कॉटलैंड, सुबह 9 बजे ये मैच स्टार्ट होगा। और 17 अक्टूबर ही क्वालिफायर 1 बमुकाबला क्वालिफायर 4 और होबार्ट के अंदर सुबह दोपहर 1 बजे ये मैच होगा। मंगल 18 अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पे भी दो मैचेस खेले जाएंगे, नामीबिया बमुकाबला क्वालिफायर 3 सुबह 9 बजे और दूसरा मैच श्रीलंका बमुकाबला क्वालिफायर 2 दोपहर 1 बजे जो है ये मैच खेला जाएगा। बुध 19 अक्टूबर की बात करें तो स्कॉटलैंड बमुकाबला क्वालिफायर 4 सुबह 9 बजे और दूसरा मैच जो है वो 19 अक्टूबर का वेस्ट इंडीज बमुकाबला क्वालिफायर 1 होबार्ट के अंदर दोपहर 1 बजे खेला जाएगा। 20 अक्टूबर की बात करें तो 20 अक्टूबर को श्रीलंका बमुकाबला क्वालिफायर 3 जेलंग के अंदर सुबह 9 बजे और दूसरा मैच जो है वो नामीबिया बमुकाबला क्वालिफायर 2 जेलंग के अंदर दोपहर 1 बजे खेला जाएगा। जुम्मा 21 अक्टूबर ये लास्ट डे है क्वालिफायर का, तो इसका पहला मैच जो है वो वेस्ट इंडीज बमुकाबला क्वालिफायर 4 होबार्ट के अंदर सुबह 9 बजे और दोपहर 1 बजे मैच जो है वो स्कॉटलैंड बमुकाबला क्वालिफायर 1 जो है वो खेला जाएगा। इसमें से जो चार टीम्स जो हैं वो हर ग्रुप की जो है वो दो दो टीमें जो है वो क्वालिफायर करेंगी सुपर 12 में। और सुपर 12 का जो पहला मैच है वो हफ्ता 22 अक्टूबर न्यूजीलैंड बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया सिडनी के अंदर दोपहर 12 बजे खेला जाएगा। 22 अक्टूबर को ही दूसरा मैच इंग्लैंड का मुकाबला अफगानिस्तान, ये ग्रुप ए की दोनों टीम्स हैं और इसका मुकाबला पर्थ के अंदर शाम 4 बजे खेला जाएगा। अब ग्रुप अतवार के दिन 23 अक्टूबर ग्रुप ए विनर का मुकाबला ग्रुप बी विनर रनर अप जो है वो होबार्ट सुबह 9 बजे जो है ये मैच खेलेगी। और अतवार वाले दिन ही 23 अक्टूबर T20 का सबसे बड़ा महा मुकाबला जो है वो पाकिस्तान वर्सेज इंडिया मेलबर्न के अंदर दोपहर 1 बजे खेला जाएगा। 24 अक्टूबर पीर वाले दिन जो है वो बांग्लादेश का मुकाबला ग्रुप ए रनर अप होबार्ट के अंदर सुबह 9 बजे और पीर 24 अक्टूबर को ही जनूबी अफ्रीका का मुकाबला ग्रुप बी विनर होबार्ट के अंदर दोपहर 1 बजे जो है वो खेला जाएगा। 25 अक्टूबर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला ग्रुप ए विनर पर्थ के अंदर 4 बजे ये मुकाबला पाकिस्तानी वक्त मुताबिक खेला जाएगा। बुध 26 अक्टूबर इंग्लैंड का मुकाबला ग्रुप बी रनर अप मेलबर्न के अंदर सुबह 9 बजे ये मैच खेला जाएगा। बुध 26 अक्टूबर की बात करें तो न्यूजीलैंड का मुकाबला अफगानिस्तान मेलबर्न के अंदर दोपहर 1 बजे ये मैच खेला जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। जुमेरात वाले दिन 27 अक्टूबर जनूबी अफ्रीका का मुकाबला बांग्लादेश सिडनी के अंदर जो है ये 8 बजे ये मुकाबला खेला जाएगा। 27 अक्टूबर को ही दूसरा मैच भारत का मुकाबला ग्रुप ए रनर अप सिडनी के अंदर ये मुकाबला दोपहर 12 बजे पाकिस्तानी वक्त मुताबिक खेला जाएगा। जुमेरात 27 अक्टूबर को ही तीसरा मैच जो है वो पाकिस्तान का मुकाबला ग्रुप बी विनर पर्थ के अंदर जो है वो शाम 4 बजे जो है ये मुकाबला होगा। जुमे वाले दिन 28 अक्टूबर को अफगानिस्तान का मुकाबला ग्रुप बी रनर अप मेलबर्न के अंदर सुबह 9 बजे और 28 अक्टूबर को ही इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबर्न के अंदर दोपहर 1 बजे खेला जाएगा पाकिस्तानी वक्त मुताबिक। हफ्ता 29 अक्टूबर न्यूजीलैंड का मुकाबला ग्रुप ए विनर सिडनी के अंदर दोपहर 1 बजे ये मुकाबला होगा। अतवार वाले दिन 30 अक्टूबर बांग्लादेश का मुकाबला ग्रुप बी विनर ब्रिस्बेन के अंदर सुबह 8 बजे ये मुकाबला होगा। अतवार वाले दिन ही 30 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेस ग्रुप ए रनर अप पर्थ के अंदर जो है ये मैच खेला जाएगा। और अतवार वाले दिन ही तीसरा मैच जो है वो भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका पर्थ के अंदर ये मुकाबला शाम 4 बजे शुरू होगा। 31 अक्टूबर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला ग्रुप बी रनर अप ब्रिस्बेन के अंदर
दोपहर 1 बजे ये मैच खेला जाएगा और 1 नवंबर को अफगानिस्तान का मुकाबला ग्रुप ए विनर ब्रिस्बेन के अंदर सुबह 9 बजे ये मैच खेला जाएगा। 1 नवंबर को इंग्लैंड का मुकाबला न्यूजीलैंड ब्रिस्बेन दोपहर 1 बजे आपस में मुकाबला होगा और 2 नवंबर को ग्रुप बी का मुकाबला ग्रुप ए रनर अप एडलेड के अंदर सुबह 9 बजे ये मैच खेला जाएगा। 2 नवंबर को भारत का मुकाबला बांग्लादेश सुबह दोपहर 1 बजे एडलेड के मुकाम पर और 3 नवंबर पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका सिडनी दोपहर 1 बजे एक दूसरे के दरमियान जो है वो खेला जाएगा। 4 नवंबर न्यूजीलैंड का मुकाबला ग्रुप बी रनर अप एडलेड के अंदर सुबह 9 बजे और 4 नवंबर को ही ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला अफगानिस्तान एडलेड के अंदर दोपहर 1 बजे। हफ्ते वाले दिन जो है वो 5 नवंबर इंग्लैंड का मुकाबला ग्रुप ए विनर सिडनी के अंदर 1 बजे, इतवार 6 नवंबर जनूबी अफ्रीका का मुकाबला ग्रुप ए रनर अप एडलेड सुबह 5 बजे, पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश 6 नवंबर एडलेड के अंदर सुबह 9 बजे और भारत का मुकाबला ग्रुप बी रनर अप ग्रुप बी विनर मेलबर्न के अंदर दोपहर 1 बजे। बुध वाले दिन 9 नवंबर को पहला सेमीफाइनल सिडनी के अंदर खेला जाएगा दोपहर 1 बजे और 10 नवंबर को दूसरा सेमीफाइनल एडलेड के अंदर दोपहर 1 बजे खेला जाएगा और इतवार के दिन 13 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा मेलबर्न के अंदर दोपहर 1 बजे।